वहां जिस जगह में लेटे हैं उसकी योग्यता क्या है, कौन है ललित दास, उसकी योग्यता क्या है, चाहे और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास या हायर सिक्स में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा, सवाल होगा, हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे। अच्छा लगा था, मैं उस वंश का औलाद हूँ, डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। सभी को जोहार, झारखंड जोहार, नमस्कार आदाब। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं जैसा कि स्थानीय थाना प्रभारी भी आए हैं अपने दल बल के साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंधियों का आना आरंभ हुआ है, और खैर अगर टाइगर की एंट्री हो और अगर आंधी तूफान ना तो फिर स्वागत इसका। तो सबसे पहले मैं अपनी बातों को आगाज करने से पूर्व जमशेदपुर के पूर्व सांसद अमर शहीद सुनील महतो को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं वर्तमान राज्य सरकार से आह्वान करूंगा कि केंद्र सरकार से शहीद सुनील महतो की हत्या के लिए एनआईए का गठन हो, एनआईए की टीम उनकी जांच करे, उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा करे और तमाम अपराधियों को कटघरे के भीतर लाके खड़ा करे, ये मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं। क्योंकि अगर आज एक एमपी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, एमपी जो प्रधानमंत्री के कक्ष में बैठता है, एक एमपी जो राष्ट्रपति के सम्मुख जाकर अपनी बैठकों को भाग लेता है, अगर इस राज्य में इस देश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को न्याय नहीं मिल पाएगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे रख सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और शहीद सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंग थे, हिस्सा थे, मैं सरकार से ये मांग करता हूं। तो आज ये मेरे लिए भी गर्व का विषय है और शायद ये झारखंड के इतिहास का पहला विषय होगा कि हम प्रत्याशी हैं कोयलांचल का, और नारा अगर जमशेदपुर में लग रहा है तो ये भी गर्व का विषय है। खैर जी हाँ, लोकसभा प्रत्याशी हमने गिरिडीह के लिए सोचा है, अब जमशेदपुर की धरती में नारा लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नारा कम लगाने, तो जमशेदपुर में ही मन बना सकते हैं। खैर अभी अभी जमशेदपुर के लिए इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा सोच है कि हम पहला वोट खुद को दें और मेरा वोटर आईडी गिरिडीह में है, इसलिए बाकी भविष्य में जहां जहां से लोग डिमांड करेंगे और जहां से हम लड़ सकते हैं वहां मैदान जंग में शामिल होंगे, क्योंकि हम एक क्षेत्र का लीडर बनने नहीं आए हैं। आज ये कोल्हान की धरती, आज इस धरती के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, न जाने कई हजार फैक्ट्रियां, कंपनियां, एक बड़ा उद्योग का क्षेत्र, लेकिन आज जब स्थानीय लोगों को वहां निम्न पाते हैं तो बड़ा सवाल आता है कि आखिर किसके लिए यह झारखंड राज्य अलग किया गया। 88 सालों का संघर्ष, 88,000 का बलिदान, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 2015 नवंबर को यह राज्य अलग हुआ, बिहार राज्य से कटकर 46% भूभाग लेकर 79,714 वर्ग किलोमीटर और उस समय 18 जिले लेकर यह राज्य अलग हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जहां तक अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं, आज आपको एक ही चीज तस्वीर सामने आएगी कि आज भी झारखंड के लोगों को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम गुलाम लेकर आए हैं। यदि साफ शब्दों में कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं, और जो टाटा बीसीएसएल से आंख मिलाए उसे टाइगर जयराम। बिल्कुल सवाल होगा, जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ्यूचर के लीडर हैं झारखंड का, आप झारखंड का भविष्य हैं,
आप अच्छा बात बोलते हैं, आप अच्छे हैं भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोल कंपनियों के खिलाफ मत बोलिएगा, टाटा वेदांता बिड़ला के खिलाफ मत बोलिएगा, ये बड़ी हस्ती है। तो हम भी कह दें कि अगर आप बड़ी हस्ती है तो याद रखिएगा उस बस्ती को हमारी हस्ती के कारण आप टिके हैं। जी हाँ, ये बातें हमारे सामने आई कि आप अब बिल्कुल इतिहास गवाह है, चूंकि इसे टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको इतिहास के पन्ने से परिचय करवाऊंगा। 1977 का वो साल था, लेकिन वो कोल्हान नहीं, वो कोलांचल था, वो टाटा सिजवा नामक क्षेत्र था, और वहां के जीएम ने एक कोलांचल के हीरे को ऑफर किया था कि हम तुम्हें कार देंगे। उस कोलांचल के हीरे ने कहा था हमें कार नहीं, बदले में रैयतों के लिए रोजगार चाहिए। इस बात में उनके बीच तू-तू में हुआ था, बात विवाद बढ़ा था, और आज इतिहासकार कहते हैं, आज जो लोग गांव में वो कहते हैं कि शहीद शक्तिनाथ महतो ने उस समय तत्कालीन टाटा के जीएम के गालों में खींच कर दो तमाचा लगाया था। मैं उस वंश का औलाद हूँ, मैं उस कौम का औलाद हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि बदले में फिर बाद में शहीद शक्तिनाथ महतो की हत्या उसी टाटा के जीएम के नेतृत्व में हुआ था, आज उसी का पाई पाई हिसाब लेने आया हूँ। अरे कब तक करेंगे भाई, अरे क्यों डरेंगे, मौत से क्यों डरेंगे? मौत तो हमारे नसीब में है। 77 में सत्यनाथ महतो, 10 साल बाद 87 शहीद निर्मल महतो, 12 साल बाद 99 रतिलाल महतो, फिर 8 साल बाद 2007 शहीद सुनील महतो। तो सुन लीजिए कंपनी के दलालों, 77 87 7 अंत में 7 7 आता है। अब सामने है 2027, आप तैयारी कर लीजिए जयराम महतो के लिए, लेकिन इस बार भूल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों को साफ साफ कह दूंगा बिल्कुल, क्योंकि आज विधायक सांसद की औकात नहीं है इन कई लाख करोड़ के कंपनियों के खिलाफ बात करने की, लेकिन एक साधारण सा लड़का इनके खिलाफ बात करता है। हो सकता है हमारी हत्या होगी, हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे मानने वाले लोग हैं और मेरी हत्या होती है तो मैं आपसे कहूंगा उस समय धरना नहीं दिया जाएगा, ना कोई आगजनी किया जाएगा, ना ही सड़क जाम किया जाएगा, और ना ही बसों का शीशा फोड़ा जाएगा। यदि सच में हमारी हत्या से आपको गुस्सा लगे तो शीशा नहीं सर फोड़ना उन बेईमानों का जिनके कारण हमारी हत्या है। बहुत दिन तक डर के रहे, कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएस की पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हम क्या करें, शहादत देंगे सुनील महतो। आज उनकी विधवा माँ रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का सामना कर रही है, और एसएसपी की बीबी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी। हम इसका सवाल करेंगे, आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अरे कब तक करेंगे कोल्हानवासी, कब तक करेंगे, कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पर टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे उसमें मार्जिन खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे इसको खड़ा है। इस बात को जहन में याद रखिएगा कोल्हानवासियों, आज कोल्हानचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है, कौन है इस ललित दास, उसकी योग्यता क्या है, कौन है ललित दास, उसकी योग्यता क्या है, कितना सच पड़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा, साला जिसका गांव गुजरा एक नहीं 18 गांव टाटा के लिए उजड़ा है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहाँ IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा। पूछेंगे
मैनेजमेंट से छापिए इसकी हेडलाइन में कि जयराम महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। वह अरे बात छा मजाक बना के रखती है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्ण रेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता। पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है, क्या यह योग्यता कहा जाएगा। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के दौड़ने के बदले बेटा दौड़ने का पड़ेगा, बाप के दौड़ से बेटा दौड़ने का पड़ेगा, बाप ही एग्जाम पास करके बेटा टीचर बनेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री है चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोयलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ेंगे आप इनसे, 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे, आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा, आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा, आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा। इसलिए आज कोल्हान और कोलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं, SSP आपको जानकारी होना चाहिए, SSP टाटा का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है, आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए, कौन करेगा आपकी सुरक्षा, ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा। आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है, IAS रहे चाहे IPS रहे, जो ईमानदार हैं उनको नमस्कार है, अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि डोबो का सीओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है, ऐसे सीओ को जो डोबो का सुनने में आया है उसको दो अंगूठी में लेके डुबा दीजिए, इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे, उसके बाप का जमीन है क्या, 20,000 नहीं 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा, वीडियो का बाप का जमीन है, सीओ का बाप का जमीन है क्या, लेकिन आपके बाप का दादा का यह जमीन है, ये 4,000 साल से हम यह खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे आपको दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था, गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, अब गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वह सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया की रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहाँ हम बेगाने बन के बैठे हैं, आज यहाँ हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हमारे यहाँ कत्ल किया जा रहा है, और एकदम साल दर साल किया जा रहा है, 77 में 87 में 97 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है, और आज हम हाथ धर के बैठे हैं, आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय,